मॉर्निंग गाइस एंड टुडे इज गुड मॉर्निंग फ्रॉम रोहतांग पास. दिस इज अभिषेक एंड वी आर हियर एट रोहतांग पास ऑन द वे टू स्पीति काजा. सो मैं आपको व्यू दिखाती हूँ अभी. Hey guys, welcome back to our channel Mud Footprints 1.0. This is me Abhishek. And this is me Rachita. So guys, ये third vlog है Spiti series का जो Coxer से हम शुरू करने वाले हैं हमारा राइड. और डे सेकेंड का व्लॉग आपने देखा होगा तो हमने कॉक्सर पे हमारा राइड एंड किया था. अगर आपने देखा नहीं है प्लीज़ गो एंड वॉच इट, चेक इट आउट. मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा. और हमें डे सेकेंड पे एक बढ़िया रूम मिला, होम स्टे मिला इनफैक्ट, जो जिसका प्राइस 800 पर रूम था. हमने दो रूम बुक किया था फॉर 1600 जिसमें सिर्फ स्टे इंक्लूड था. और ये एक छोटा सा डिसेंट सा रूम था और वहाँ पे काफ़ी एक्सटेंसिव कल्चर है होम स्टे का. यू वॉन्ट गेट एनी लग्जरियस प्रॉपर्टी वेर यू कैन स्टे. बहुत ही छोटा सा जगह है और काफ़ी राइडर्स यहाँ पे स्टे करते हैं जस्ट टू स्पेंड देयर नाइट्स, बिकॉज नाइट में उस टेरेन में राइड करना बिल्कुल भी सेफ नहीं है, बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है. सो चलिए बने रहिए. यहाँ से हमने शुरू किया हमारा राइड जो कि काजा के लिए था. और बस आगे देखते रहिए. सो गाइस, हमने राइड स्टार्ट कर लिया अर्ली मॉर्निंग और रास्ते में चलते चलते स्पीति का जो कट था हमने मिस ही कर दिया और सीधा जाके पहुंच गए रोहतांग पास. जब रास्ते ने हमें ऑलरेडी रोहतांग पास पहुंचा ही दिया था तो हमने वहां पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, कुछ फ़ोटो क्लिक्स किए जो कि आपको इसी वीडियो में आगे जाके देखने को मिलेंगे. एंड वहां पे थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद हम फिर से उसी सीधे रास्ते पे निकल पड़े, जो कि थोड़े आगे जाने के बाद हमें पता लगा कि ये रास्ता सीधा मनाली की ओर जाता है. तो हमने वहाँ पे कुछ लोकल से हेल्प लिया एंड हमें पता लगा कि हमने जो स्पीति का कट है बहुत पीछे ही छोड़ दिया था, वो एक छोटा सा रास्ता जाता है टूवर्ड्स काजा की ओर. एंड हम फिर वापस गए. वापस जाने के बाद हमें वो रोड मिल गया एंड वो रोड बहुत ही कच्चा रोड था. चलो गाइस कंटिन्यू करते हैं. अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत जाके सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए. Way to Spiti, that's Gaza, okay. And in the middle of nowhere, okay, we are, you know, clicking some beautiful photographs. And I will walk you around it through, you know, complete, entire, you know, 360 degree. And this is completely exhilarating view, okay. And let me, you know. Ready. Thank you.
सो जी, यहाँ पे शुरू होता है असली ऑफ टेरेन का रोड, जहाँ पे आई वोंट से रोड, ये तो रोड था ही नहीं, और ये रास्ता जाती है स्पीति काजा की ओर। सो यहाँ पे हमें बहुत छोटे छोटे वाटर क्रॉसिंग्स भी मिले, जैसे कि आप देख सकते हो, और था कुछ भी नहीं, बट हाँ बहुत रिस्की राइड था, एंड यू हैव टू बी वेरी कॉशियस व्हाइल ड्राइविंग ऑन दीज काइंड ऑफ टेरेन्स। सो हमने ये कुछ शॉट्स है, आप देख सकते हो, हमने क्रॉस किया और हम आगे बढ़ते रहे, और यहाँ पे जो आपकी स्पीड होगी वो बहुत ही मिनिमल होगी, लाइक 0 to 10, आप उससे ज़्यादा तो जा ही नहीं सकते। सो प्लान योर ट्रिप अकॉर्डिंगली, बहुत टाइम यहाँ पे आपका इन्वेस्ट करना पड़ेगा टू क्रॉस दिस ऑफ रोड टेरेन। जैसे ही हम आगे बढ़े चले, हमारे साथ एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ जहाँ पे हम बाइक से गिर गए। एनीवे सब कुछ ठीक था एंड वी डिड कंटिन्यू आवर नेक्स्ट जर्नी जो हम आगे जा रहे थे, एंड वो हमने एक स्टॉप लिया छत्रू में, हमने एक रिफ्रेशमेंट ब्रेक लिया जहाँ पे हमने थोड़ा कुछ परोंठे वरोंठे खाया, एंड हमने थोड़ा फ्रेशन अप हुआ क्योंकि हम बहुत एग्जॉस्ट हो चुके थे। सो ऐसे ही चलते हमें बहुत वाटर क्रॉसिंग मिला जहाँ पे पिलियंस को बिठा के क्रॉस करना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि वी कांट प्रिडिक्ट कितने बड़े साइज का या फिर कैसा पत्थर है। दो यहाँ पे तो बहुत कम ही पानी था, बट नहीं, बाइक के साथ विथ दैट टू लगेज करना मुश्किल ही था। सो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये पिलियंस उतर के फिर साइड से वो क्रॉस करके गए हम, और हम अपने बाइक से आगे बढ़े। ऐसे बढ़ते बढ़ते हम पहुँच गए बाताल, जो कि बहुत फेमस है, आप लोगों ने भी सुना होगा, बाताल चाचा चाची का ढाबा जो इतने सालों से सर्व कर रहे, एंड दे आर वेरी हम्बल कपल, बहुत लोग उनसे हेल्प लेते हैं, इनफैक्ट दे आर रेडी टू हेल्प वेरियस पीपल। तो हमने वहाँ पे थोड़ा बहुत फ़ोटो खिंचाया और हम बढ़ चले हमारी आगे की जर्नी, जो कि कुंजुम ला पास था, और उसका हाइट इतना ऊपर था, और हाइट अटेंड करना हमारे लिए बहुत चैलेंज हो गया था क्योंकि सनसेट का टाइम था और बहुत ही ठंड विथ विंड बहुत तेज था, विंड का जो प्रकोप था वो बहुत तेज था, और ठंड बहुत बढ़ रहा था ग्रेजुअली, और टेम्परेचर डिप कर रहा था। सो एनीवेज वो बहुत ही चैलेंजिंग रहा, बट वी डिड मैनेज। Thank you for watching this vlog. Do subscribe, like, comment, share, and see you soon in the next video. Till then, bye-bye.